मोशन, 60 में इसको बोलते हैं SHM, सरल आवर्त गति। ये आपका चैप्टर है बच्चों, सरल आवर्त गति। अब इसमें सबसे पहले यहां पर व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल क्या है बच्चों, मैं आपको देखो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूं आपको, कि जो व्हाट इज द आवर्त गति, पहले इसके बारे में देखेंगे हम लोग। आवर्त गति क्या होती है इसको आप जान लो, व्हाट इज द सेंस ऑफ आवर्त गति। दिस इज द पीरियोडिक मोशन, ठीक है बच्चों। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक का मतलब निश्चित टाइम के बाद। देखो प्रत्येक, आप लोग ध्यान से समझें, प्रत्येक डेफिनेट टाइम के बाद, एकदम निश्चित टाइम के बाद, डेफिनेट टाइम के बाद का मोशन, ये पीरियाडिक होता है। जैसे अर्थ जो है, अर्थ सन के अराउंड जो मोशन करती है वो पीरियाडिक है, लेकिन सिंपल पीरियाडिक नहीं है, ठीक है ना। पीरियाडिक कैसे हुआ, क्योंकि हर 24 आवर के बाद वो रिपीट करती है अपना रिवोल्यूशन, और सन के अराउंड जो मोशन करती है वो 365 डेज में पूरा करती है, तो भी उसका टाइम फिक्स है 365.25, इतना एग्जैक्ट टाइम उसको लगता है, फिर से रिपीट करती है अपना मोशन। और ये जो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है वो 24 आवर में करती है। तो ये दोनों टाइप का जो अर्थ का मोशन है बच्चों, वो पीरियाडिक होता है। अगर आप हर 24 आवर बाद कोई भी काम कर रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो हर 24 आवर के बाद जो भी आप बातें कर रहे हो, निश्चित टाइम की बात कर रहे हो, दैट द पीरियाडिक इंसिडेंट होता है, अ मोशन पीरियाडिक मोशन होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर निश्चित टाइम की बात का, जो मोशन है दैट इज द पीरियाडिक मोशन। तो व्हाट इज द सिंपल, सिंपल कैसे समझते हैं बच्चों, जो उसका पाथ होना चाहिए, पाथ मींस रास्ता। आपको देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी लैंग्वेज को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर, कि एकदम इजीएस्ट मस्त फीलिंग। देखो जरा, तो पाथ जो उसका रास्ता होगा ना, वो होगा स्ट्रेट लाइन। बच्चों जरा ध्यान से सुनना, स्ट्रेट लाइन, द पाथ स्ट्रेट लाइन बनेगा, सरल रेखा, सीधी रेखा, सरल रेखा पाथ बनता है। ये बात आप समझ लो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहले तो समझ लो कि पीरियाडिक होगा बच्चों, दूसरा उसका जो रास्ता होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो यहां पे आप देखें, दिस इज द फर्स्ट स्टेप आपके लिए ये था, दूसरा स्टेप ये था, और ये तीसरा स्टेप, ठीक है। ये हम लोग फ्लो चार्ट जैसा पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ा इजी मस्त पढ़ाई होती है। तो तीसरा होता है कि जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, मतलब जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, कण, कण मींस होता है पार्टिकल, ठीक है बच्चा, पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स, ठीक है, एफ इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस के यक्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, दिस इज एफ इक्वल टू माइनस के यक्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब पार्टिकल पे जो फोर्स होना चाहिए दैट इज अ प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये याद कर लें, ये क्वेश्चन आपसे पुट किया जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स अप्लाई होता है वो डिस्प्लेसमेंट, यक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यक्स क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यक्स है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मैं आपको और अच्छे से बताना चाहता हूं, तीन कंडीशन आपको मिला है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। एक कंडीशन मिला है कि वो पीरियाडिक होना चाहिए, और पीरियाडिक मैंने एक्सप्लेन किया आपको। फिर मैंने आपको बताया कि उसका जो पाथ है, पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन, एंड द अदर मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल होता है उस पर जो फोर्स लगता है वो एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होना चाहिए। इतना आप समझ गए। नेक्स्ट हम आपको इसके आगे का लेते हैं। देखो आगे की बात अगर हम लोग करना चाहें बच्चे, तो
यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, बिल्कुल आपसे मिलता जुलता जो आप पसंद करते हैं। सपोज दैट कोई गुड़िया है, ठीक है, और वो एक, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बहुत ही इजी वे में समझा दे रहा हूँ, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। झूला है और ये कहीं से टंगा हुआ है, ठीक है, और ये गुड़िया बिल्कुल ऐसे ऐसे मूव कर रही है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, एम्पलीट्यूड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं सब कुछ आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, केवल ये। और बाद में अब यहाँ से झूला को हटा दिया जाए, ठीक है, झूला को हटाते हैं बच्चों। ये देखिए झूला हट गया आपका, अब आपको फीलिंग आनी चाहिए कि एक झूला कैसे मोशन करता है, ठीक है। अब यहाँ चीज़ों को समझना है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखो, ये आप इस पोजीशन को समझेंगे, ओरिजिन समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आपका झूला लटकेगा, दिस इज द मीन पोजीशन बच्चों, ये क्या है, मीन पोजीशन, साम्य स्थिति इसको बोला जाता है। जहां पे झूला लटकेगा ना बच्चा, वो मीन पोजीशन होता है, ठीक है, दिस इज द मीन पोजीशन फॉर यू। अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाएगा, वो मीन पोजीशन से मेजर किया जाएगा, एक्स की वैल्यू ये होती है। फिर होता क्या है, ये जरा ध्यान से सुनेंगे, इसको हम ओरिजिन भी ले सकते हैं, 0.0। अब यहां पे देखो, पार्टिकल इस रास्ते पे बार बार मोशन करेगा, क्लियर है, पार्टिकल इस रास्ते पे बार बार मोशन करेगा, तो स्ट्रेट लाइन हो गया। जैसे वो आपका झूला था ना, देखे यूं, ये देख लो झूले का, मैं प्रैक्टिकली बता दे रहा हूं आपको, ऐसे चलेगा। तो ये मीन पोजीशन को बोलते हैं, दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, क्योंकि आपका झूला इसके आगे नहीं जा सकता है, दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन, सबसे अधिक विस्थापन वाली स्थिति है ये, अधिकतम विस्थापन यहां तक हो सकता है, अधिकतम पार्टिकल यहां से यहां तक जा सकता है। तो यहां मीन पोजीशन से यहां, यहां जरा देख लें फिर से नीचे, ये दो जो दो पॉइंट है, एक्सट्रीम और मीन, ये जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग ए बोलते हैं। अभी हम आपको इंट्रोडक्शन सिर्फ दे रहे हैं बच्चों। ए मींस, ए होता क्या है, ए इज द एम्पलीट्यूड, ए को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आयाम। तो आयाम होता क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। अब बात आगे चलते हैं बच्चों, जैसे ही झूला यहां पहुंचा, वो रेस्ट में आ जाता है, आपको पता है ना, देखो ये रेस्ट में आया, तो यहां जो वेलोसिटी होती है ना, वो जीरो होती है। ये सब आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द एक्सट्रीम पोजीशन, तो आप बोलेंगे वेलोसिटी इज जीरो। बच्चों जब मीन पोजीशन पे झूला आएगा, देखो ये मैं ऐसा झूले का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं ना कि आपको रटना ना पड़े, नहीं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कहां जीरो एक्सीलरेशन होगा, कहां वेलोसिटी जीरो होगी, कहां फोर्स जीरो होगा, कहां फोर्स मैक्सिमम होगा, ये बहुत सारे थॉट्स आपको कंफ्यूज करते हैं। बट झूले के एग्जाम्पल से आपको पूरा दिखता है, गुड़िया भी है ना उसमें, तो और दिखता है। तो वी इक्वल टू जीरो, और यहां पर बच्चों 0.0 है, यहाँ पे वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है। अब हम लोग बात करेंगे, खूब ध्यान से सुनना बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ अगर देखोगे तो पार्टिकल यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है, एक्स जीरो एट द मीन पोजीशन, यहाँ पे x की वैल्यू मैक्सिमम मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x को डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन कहते हैं। अब यहाँ पे x मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, फिर यहाँ अगर आप पार्टिकल पहुँचा एक्सट्रीम पे, तो x मैक्सिमम माइनस a होता है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों। अभी आपने क्या पढ़ा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स फॉर एसएचएम, एसएचएम के लिए फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आल्सो एक्सीलरेशन द बेस्ट कंडीशन
फार एसएचएम, ये इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल का एक्सीलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए और माइनस के साथ होना चाहिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए और माइनस के साथ होना चाहिए, ये आपका हो गया एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये आपको याद रखना है। फिर बच्चों यहां पर अगर आप देख रहे हो एक्स जीरो, अगर एक्स जीरो है कहां पर बच्चों, मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन को बोलते हैं साम्य स्थिति, मीन पोजीशन मींस साम्य स्थिति पर। एक्स जीरो है बच्चों सो एक्सीलरेशन विल बी जीरो, फोर्स आल्सो जीरो। कहां पे, यहां पे पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगता, मीन पोजीशन पे नो एनी फोर्स, ठीक है। अच्छा यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम लगेगा, एक्सीलरेशन आल्सो मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन मैक्सिमम। अब देख लो बच्चों आप ये फील कर सकते हो कि यहां पे बॉडी रेस्ट में रहती है, ज्यो गई ये तो यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यहां रेस्ट में है वेलोसिटी जीरो होगी, यहां एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, यहां पे एक्स की वैल्यू जीरो है। और ये रिलेशन आपको माइंड मेकअप करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपके कॉम्पिटिशन के लिए। बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, बहुत ही अच्छा है, आपको सारी जानकारी मिल गया है। आप वीडियो को फिर से आगे पीछे करके देख लेना, फिर मैं आगे का पेज लेता हूं फिर से बात समझाने के लिए। और रही बात, देखो ये रही गुड़िया और इसमें बार बार ओसिलेट कर रही है इस पाथ पे, और फिर मैंने आपसे कहा कि दिस इज मीन पोजीशन, बार बार समझा देते हैं हम। अब बच्चों ये समझ लो, ये होता है एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग टाइम की बात करते हैं, फिर आगे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता रहूंगा, दिखाता रहूंगा और बताता भी रहूंगा, मौज हो जाएगी, एक बार सुनोगे फटाफट याद। यहां से ये समझो जरा, यहां ये समझना जरूरी है बच्चों कि टाइम की बात करते हैं, टाइम, ठीक है। टाइम कहां से कहां तक जाने में क्या क्या लगता है वो समझ लो। यहां से यहां तक का टाइम लगता है टी बाई फोर, ये देख लो, ठीक है। कहां से कहां तक टाइम बच्चों, देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आपको बताता है मीन पोजीशन, और ये बताता है एक्स इज इक्वल टू ए। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू ए का जो टाइम लगता है बच्चों वो टी इज इक्वल टू टी बाई फोर, वेयर टी को बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। टी आपका टाइम पीरियड कहा जाता है। टाइम पीरियड क्या है, यहां से पार्टिकल स्टार्ट करे फिर यहां आ जाए, राउंड, वन राउंड का टाइम, एक राउंड का जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। तो यहां से यहां तक का टाइम टाइम पीरियड होता है। तो यहां से यहां तक का जाने का टी बाई फोर, फिर इधर जाने का टी बाई फोर, ये बात क्लियर हो गई, बोलो बच्चा, ठीक। उसके बाद का बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% पीजीटी में आ सकता है, उसको आप देखिए, उसको ये देखिए जरा, ये हाफ हमने लिया। अब यहां से देखिए जरा एक्स की वैल्यू यहां तक कितनी होगी, ए बाई टू, समझ गए आप, यहां से यहां तक ए बाई टू, और ये भी बचा हुआ कितना हो जाएगा, ए बाई टू। देखो बच्चों यहां से मीन से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ए होता है, टाइम उसको लगता है टी बाई फोर, और ये हाफ हमने लिया। अब यहां मैं आपको बता दूं, आपको अच्छा लगेगा, टाइम फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू, पार्टिकल को एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू तक का जो टाइम लगता है वो आप याद करो, इधर बहुत तेज चलता है पार्टिकल, इधर बहुत तेज चलता है, इधर स्लो चलता है, तो इसका जो टाइम है ना बच्चा वो टी बाई ट्वेल्व लगता है, ये भी आपको माइंड में रखना है। इसको प्रूफ नहीं देंगे हम आपको, कुछ जगह प्रूफ देंगे, जितनी जरूरतें हैं वो आप जानेंगे।
तो ये समझ लो एक्स मीन से लेकर के एम्पलीट्यूड मतलब आयाम के आधे तक जाने का टाइम है टी बाई 12। एम्पलीट्यूड एक्स बराबर जीरो से लेकर एक्स बराबर ए बाई टू तक का जाने का टाइम टी बाई 12 है, और एक्स बराबर जीरो से नहीं एक्स बराबर ए बाई टू यहां से लेकर से एक्स इज इक्वल टू ए तक, एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू से एक्स इज इक्वल टू ए तक का जो टाइम है वो टी बाई 6 है। ठीक है, इधर तक जाने का टाइम टी बाई 12 है, यहां तक जाने का टाइम टी बाई 6 है। चलो ठीक, ये टाइम का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, फिर से समझ लें। यहां पे आपको मैंने बार बार बोला है, वीडियो आप आगे पीछे करके देखते रहिए और समझते रहिए। तो ये टाइम का मैटर था बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पाथ क्या होता है, फोर्स का रिलेशन क्या होता है। अब बात जो आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग ले रहे हैं यहां से, देखो विस्थापन समीकरण डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होता है जरा उसको समझ लिया जाए। देखो SHM में जो भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कई तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए कास ओमेगा टी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए कास ओमेगा टी लिख सकते हैं। मतलब साइन कास वाले जितने भी इक्वेशन हैं वो सब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बताते हैं। अदर फॉर्म आप और जान लीजिए, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा भी लिख सकते हैं, अभी मैं आपको सबको बता दे रहा हूँ। और ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, और लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई या प्लस माइनस फाई, ये इतना इतने फार्म हैं, इसके अलावा एक भी नहीं मिलेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है वो इस तरह से दिया जाता है, साइन कास एक्स के फार्म में दिया जाता है। और फाई, यहाँ पे एक एक बातों को समझ लो, एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन है, ठीक है, और बच्चों ओमेगा को बोलते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, या इसको बोला जाता है कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, ये ओमेगा आपका होता है। फाई को बोला जाता है फेज, फेज फाई आपका फेज होता है, फेज मींस कला इसका, तो फाई फेज होता है। ए आपको पता ही है, ए हियर एम्पलीट्यूड, ए आयाम होता है, ठीक है, ये आप समझते चलिए। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के अब प्रॉब्लम आपको कैसे, सवाल कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो आप समझिए जरा। जैसे दे देगा कि इक्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन है उसको दे दिया उसने, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन उसने दिया, और वो इक्वेशन है इक्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति का समीकरण, एक्स इज इक्वल टू 0.5 साइन 2 पाई टी प्लस 0.5, इस तरह से दे दिया। और आपसे पूछेगा कण का आवर्त काल बताइए, ऐसे ये क्वेश्चन कोई पूछेगा आपसे, व्हाट इज द टाइम पीरियड, कण का आवर्त काल क्या है, क्लियर। तो बच्चों इसको करने के लिए क्या करोगे, हम लोगों ने अब इसका सॉल्यूशन पढ़िए,
आपका क्वेश्चन क्या है, 0.5 साइन 2 पाई टी प्लस 0.5। अब हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई से कंपेयर करा देंगे, ठीक है। अब हम इसे जब कंपेयर कराएंगे, इनका कंपेयर करा देते हैं, दोनों का तुलना करा देंगे, ठीक है। तो कंपेयर कराने पर क्या होगा बच्चों, यहां पर ओमेगा की वैल्यू देखो, ए का मतलब हुआ एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड तो आपको नजर आ रहा है 0.5 और ओमेगा के प्लेस में नजर आ रहा है 2 पाई, ठीक है। और फाई अलग है, तो यहां से ओमेगा के प्लेस में नजर आ रहा है 2 पाई। अच्छा, ओमेगा का फार्मूला आपको पता होगा, ओमेगा को बोलते हैं 2π/T, दिस इज द फार्मूला ऑफ ओमेगा, 2π/T, ठीक है। और ये हो गया 2π, और आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, जरा कंपेयर करो क्रॉस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 सेकेंड, ठीक है। टी की वैल्यू आपको 1 सेकेंड मिल गई, ये आपका रहा क्वेश्चन। फिर आगे का हम करते हैं, देखो आगे का कैसे करोगे। अब जरा ये जैसे मैंने इक्वेशन आपको बता दिया, फिर टाइम कहां से कहां तक लगता है, कितना टाइम लगता है, ऐसा मैंने बहुत सारी जानकारी आपको टाइम को लेकर के दिया था, डिस्प्लेसमेंट को भी लेकर के दिया। अब यहां पर बात करते हैं वेलोसिटी इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन, वेग समीकरण, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं बच्चों, वेलोसिटी इक्वेशन पर। तो वेलोसिटी इक्वेशन पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या होता है वेलोसिटी इक्वेशन, v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, ये आपका वेलोसिटी इक्वेशन होता है। यदि आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, अगर हम लोग वहां ये दो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या वाई के प्लेस में अगर एक्स भी ले ले तो कोई हरकत नहीं है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। तो बच्चों बात कर रहे थे हम लोग वेलोसिटी इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वी इक्वल टू, यहां पे अगर ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है तो इसके लिए वेलोसिटी इक्वेशन आ जाता है, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वेलोसिटी इक्वेशन आता है। तो अब आप क्या करोगे, जरा सुनो, वेलोसिटी इक्वेशन दो तरीके से दिए जाते हैं, ये टाइम के फॉर्म में है और एक होता है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, विस्थापन के पदों में, विस्थापन के पदों में ये होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो तरह के। देखो पहले तो ये जान लो कि तुम्हारा टीचर तुमको जितना बोल दिया रहा है उतना ही है, उतना ही है, उतना ही आता है, अपने से कल्पना लेकर के मत जियो कि अरे 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 सर तो दो इक्वेशन बताए हैं तीसरा आ गया, तो ऐसा नहीं है, उतना ही है, बस बोल दिया तो बोल दिया। v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए टाइम के टर्म में वेलोसिटी होती है और विस्थापन के पदों में डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे x क्या है, विस्थापन है, बार बार मैं बोल रहा हूँ तुमको, x साम स्थिति से विस्थापन होता है और a बच्चा a एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है, ये पहले शुरू में बताया गया, ओमेगा जानते हो, भी वेलोसिटी जानते हो, ठीक है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जिसका क्वेश्चन आपको TGT में मिला हुआ आया है, 13 में 12 में आगे भी आया है 16 में भी। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बात आप सीखो, इंपॉर्टेंट बात है क्या, एक तो जान लो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी इन SHM, ये पक्का है, ये भूलना मत, नहीं तो रोओगे, मैक्सिमम वेलोसिटी इन SHM, मैक्सिमम मतलब अधिकतम चाल, अधिकतम चाल, मैक्सिमम वेलोसिटी इन SHM, मैक्सिमम वेलोसिटी इन SHM क्या होता है,
वो अधिकतम चाल को बोला जाता है वी मैक्स। ये वी मैक्सिमम निकालोगे तो ये याद कर लो इसकी वैल्यू ए ओमेगा होती है। और वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है ये मैंने तुमको बताया है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वी मैक्सिमम ए ओमेगा, क्लियर। और वेलोसिटी मिनिमम कहाँ होती है, मिनिमम वेलोसिटी जीरो होती है और आपको पता है कहाँ होती है बताओ, ये होता है एक्स इज इक्वल टू ए पर, मैक्सिमम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होती है। तो तीन बातें वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी से रिलेटेड एसएचएम में ये वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम और ये, और एक और मैं बताऊंगा ग्राफ का भी आगे जानकारी देता हूं मैं आपको, ग्राफ इसमें नहीं डाल रहा हूं, यहां हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी आपको ये पता होनी चाहिए, ये दैट्स पॉइंट, क्लियर, कहां होती है ये पता होना चाहिए। तो अब मैं इस पे एक सवाल लेता हूं, वो पीजीटी स्टैंडर्ड का सवाल मैं ले रहा हूं यहां पे, क्लियर। दो तीन प्रॉब्लम लेंगे, तो अब मैं पहला प्रॉब्लम ले रहा हूं यहां पे, एक्स वन दूरी पर होता है तो उसकी चाल v1 होती है जब पार्टिकल या जब कण x2 दूरी पर होता है तो उसकी चाल v2 होती है। तो कण का आवर्तकाल बताइए। जब कण x1 दूरी पर होता है तो उसकी चाल v1 होती है, जब कण x2 दूरी पर होता है तो उसकी चाल v2 होती है। कण का आवर्तकाल टाइम पीरियड बताना है। बच्चों पहले ये जान लो मेरी हर लाइन आपका एक क्वेश्चन होता है, दैट्स पॉइंट। हर लाइन ही आपके लिए एक सवाल बनकर आती है। आपकी कहीं भी पढ़ोगे कोई पेपर, प्रैक्टिस पेपर, ये पेपर वो पेपर, तो 100% मेरी बोली हुई लाइन ही वहां आपको क्वेश्चन के रूप में मिलने वाली है। तो कण x1 दूरी पर होता है तो उसकी चाल v1 होती है, जब कण x2 दूरी पर होता है तो उसकी चाल v2 होती है। कण का टाइम पीरियड क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो x1 की बात कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, और यहाँ पे चाल स्पीड v1 है, x2 पर उसकी स्पीड v2 होती है, तो कण का आवर्तकाल पूछता है, ठीक है, कण का आवर्तकाल पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आपको मैंने बताया वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने क्यों लिया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट की चर्चा की गई है, किसकी, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो व्हेन स्पीड इज वी वन, एम्पलीट्यूड वही रहेगा और एक्स के प्लेस में क्या लिखोगे, एक्स वन स्क्वायर, चाहे इसका स्क्वायरिंग कर दो, v1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट जो कंडीशन है फॉर नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलता है, v2 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्पीड उसकी v2 हो गई, एंड ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर, दोनों पोजीशन सेम है, समझ गए, व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v2 एट द डिस्प्लेसमेंट x2, टेक दिस इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, आप इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर किया जाए, इसमें से बच्चों ओमेगा स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे,
और ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर। सो अब इसको सॉल्व कर लें बच्चों, ओमेगा स्क्वायर, इसको साइड चेंज करेंगे, आपको देखो कितना मुझे ख्याल करना पड़ता है, अभी ऐसे धीरे धीरे सॉल्व करके फिर हम आपको एकदम एक लाइन में सॉल्व करना भी सिखा सकते हैं, ठीक है, बट अभी थोड़ा चलने दो गाड़ी। ओमेगा को लिखोगे 2π बाई टी, तो इसको सॉल्व कर लोगे t इज इक्वल टू मिलेगा 2π रूट ओवर एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी टू स्क्वायर माइनस, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अब आप यहां देख सकते हो एक्सीलरेशन त्वरण समीकरण, ठीक है बच्चा, त्वरण समीकरण एक्सीलरेशन इन SHM, एक्सीलरेशन बच्चों समझ लो, सबसे पहले जो एक्सीलरेशन आपको चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर SHM, एक्सीलरेशन का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है और इसकी वैल्यू आपको बताई गई है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। बच्चों ये जो एक्सीलरेशन है वो एक्स के टर्म में है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है, ये जो एक्सीलरेशन है वो टाइम के टर्म में है, तो ये दो आपको याद होने चाहिए। और एक इसका दूसरा फॉर्म में बता देता हूँ, एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। देखो आपको पता होगा कि वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी, ये वेलोसिटी होती है, फिर से एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं डी वी बाई डी टी, फिर देखो एक्सीलरेशन यहाँ हम लिखेंगे डी बाई डी टी, वी के प्लेस में लिखेंगे, देखो वी के प्लेस में लिखोगे डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करते हैं ना, ये आता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन को देखो कैसे कैसे लिख सकते हो, डी वी बाई डी टी एक्सीलरेशन होता है एंड डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज ऑल्सो एक्सीलरेशन। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, साइड चेंज कर लो, डी टू एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ SHM, ये भी SHM बताता है, हम आपको हर तरह के सवाल बताएंगे, ये SHM है, यहाँ का SHM, ये आपको एक्सेलरेशन बताता है। अब इसी में एक बात और आती है, फिर हम आपको क्वेश्चन सिखाते हैं। देखो इसमें एक बात और सीख सकते हो, एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन का मॉड ले लेते हैं तो आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्लियर बच्चा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालना हो तो मॉड ऑफ एक्सीलरेशन बाई एक्स हो जाएगा, देन ओमेगा कितना हो जाएगा रूट ओवर मॉड ऑफ एक्सीलरेशन बाई एक्स हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे 2π बाई टी, देन रूट ओवर मॉड ए बाई एक्स हो जाएगा, अब इसका साइड चेंज कर देंगे, देन टी अपान 2π अगर करोगे रूट ओवर एक्स अपान मॉड ए हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 2π रूट ओवर एक्स अपान मॉड ए। ये दिस इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2π रूट एक्स बाई मॉड ए, ए मॉड ए मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू। तो मैं आपको बता दूं, इतना मेहनत नहीं, जो जो ब्लॉक में मैंने बंद कर रखा है
वही वही आपको माइंड में बंद होना चाहिए। एक तो ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, और ये टाइम पीरियड के लिए बंद होना चाहिए। आगे का मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लेने जा रहा हूँ बच्चों, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी मैंने बताया था, मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होता है, अधिकतम त्वरण क्या होता है पार्टिकल का। बच्चों एक्सीलरेशन का जो मैक्सिमम मॉड अगर लिया जाए तो इसकी वैल्यू, मॉड में साइन नहीं लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए होती है। एक्सीलरेशन ये कहां पे होगा, एक्स मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड पर एट। तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहां पे होता है, एम्पलीट्यूड पर मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है, और इसकी वैल्यू होती है मॉड ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। एक्सीलरेशन मिनिमम कहां पे होता है, जीरो, और होगा कहां, एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन जीरो। ये बातें आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए, बढ़िया से जबरदस्त तरीके से। बात समझ में आ गई बच्चा, जम रहा है। तो अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फायदे का प्रैक्टिस। तो फायदे का प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, सरल आवर्त गति करते मींस क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई पार्टिकल है, नॉट प्रॉब्लम फॉर लैंग्वेज टू यू। सिंपल हार्मोनिक मोशन करते कण का मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी अल्फा और मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मैक्सिमम एक्सीलरेशन बीटा है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन बीटा है, देन कण का टाइम पीरियड क्या होगा, आवर्त काल। ये सब क्वेश्चन ऐसे है ना, बस आए गए हैं, एकदम आ गए हैं। आप देखना भैया लल्ला, कण का अधिकतम चाल अल्फा और अधिकतम त्वरण बीटा है, कण का आवर्त काल देखो कैसे करते हो। अब जरा फार्मूला पे ध्यान दो, यहां पे देखो क्या क्या आए हैं, मैक्सिमम स्पीड एंड द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो मैक्सिमम स्पीड पर हम लोग बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन समझे। मैक्सिमम स्पीड होती है ए ओमेगा, और मैक्सिमम स्पीड हो गई, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ए मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए। बोलो बच्चों, अभी देखो दोनों फार्मूला आ गया ना, मौज, एकदम मस्त सेट सवाल है, आपको अपसेट नहीं होने देगा, इतना सेट है कि आपको अपसेट नहीं होने देगा। तो बच्चा ए ओमेगा बराबर मैक्सिमम वेलोसिटी गिवेन इन न्यूमेरिकल इज अल्फा एंड द मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज बीटा। सो द डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय द इक्वेशन फर्स्ट, वी कैन गेट, इसको इसमें से डिवाइड कर दो, ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा बीटा अपॉन अल्फा, ए कैंसिल आउट करो, ओमेगा कैंसिल आउट करो, बीटा अपॉन अल्फा, ओमेगा को क्या लिखो बच्चा, वही कहानी, टू पाई बाई टी बीटा अपॉन अल्फा। सो यू कैन फाइंड हियर टी इज इक्वल टू टू पाई अल्फा बाई बीटा। ये देख लो, ये सब तनातन ताजे क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल 100% मिले मिला है क्वेश्चन, और मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि वाह गुरुजी वाह। आगे देखते हैं ना, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, काहे का जल्दबाजी है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रॉब्लम नंबर टू देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर टू है आपका, सरल आवर्त गति करते कण का समीकरण डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो,
यहाँ पे ए लिख लो, चलो ए ओमेगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बस वही बात, क्या बताओ, मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी के बनते हैं, आवर्त काल बताओ। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसका सॉल्यूशन देखो बच्चा, सॉल्यूशन कैसे देखोगे, ए डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और आपको मैंने जो इक्वेशन पढ़ाया अभी अभी, क्या पढ़ाया बोलो, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसका कंपेयर कब कर सकते हो, इनका कंपेयर कब कर सकते हो, देखो यहां पे क्या है कि साइड में कोई मल्टीप्लाई नहीं है, साइड में मल्टीप्लाई नहीं है तो इसको हटा दो, हटा दोगे तो क्या मिलेगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर और ए का साइड चेंज कर दोगे प्लस बी बाई ए इन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बी बाई एक्स जमा, अब बाई कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, अगर इनका कंपेयर कराओगे अब क्या मिलेगा, देखो जब कंपेयर कराओगे ये और ये मैच कर रहा है, x से x मैच कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर के प्लेस में क्या है, b अपान a, ओमेगा स्क्वायर के प्लेस में क्या आ गया, b अपान a, देन योर वैल्यू विल बी b बाई a, वी कैन पुट हियर ओमेगा की वैल्यू क्या रखोगे, 2 पाई बाई टी b बाई a, सो द t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर, दिस इज योर टाइम पीरियड। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुट कर लिए जाते हैं, उठा लिए जाते हैं, यही आपको समझना है, लेवल समझना है। और रही बात टीजीटी लेवल, बहुत ही आसान होता है बच्चों, एकदम ही आसान है, शुरुआत की बातें, हर चैप्टर के एकदम शुरुआत शुरुआत की बातें, बस स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर पूछा जाता है, और पीजीटी थोड़ा हाई होता है, उससे थोड़ा प्लस करके पूछते हैं। घबराने की बात नहीं, बस सुनना है, बार बार टीचर को सुनना है, टीचर क्या बोल रहा है, सुनते सुनते सारे सवाल आप उड़ा देंगे और एकदम मस्त परफॉर्मेंस करेंगे। मिलते रहिए विनय सर से और जुड़े रहिए इस चैनल से सक्सेस के लिए 100%। और फिजिक्स को मस्त, सारे डर खत्म कर दीजिए। धन्यवाद।